नीलामी में कोड़ियों के दाम में भी नहीं बिका ये अनमोल खिलाड़ी, कोहली ने ऐसे दिया सहारा। नमस्कार, आईपीएल 2019 के लिए नीलामी जयपुर में मंगलवार को पूरी हो चुकी और सभी टीमों ने जरूरत के हिसाब से खिलाड़ी खरीदे। एक तरह कई अनजाने खिलाड़ी को करोड़ों मिले और दूसरी तरह कई बेहतरीन खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। किंग्स 11 पंजाब ने इस नीलामी में सही प्लानिंग के साथ भाग लेते हुए दूरदर्श खिलाड़ियों की पूरी फौज तैयार कर ली है। वहीं दूसरी ओर बेहद कम कीमत में मार्टिन गुप्टल और रिद्धिमान साहा को खरीदने पर सनराइजर्स हैदराबाद को इस नीलामी के बाद स्मार्ट बायर कहा जा रहा है। अनसोल्ड खिलाड़ी में भारतीय टेस्ट टीम की जान चेतेश्वर पुजारा का काम नाम भी शामिल है। पुजारा को 50 लाख की बेस प्राइस में भी टीम ने नहीं पूछा। पुजारा अनसोल्ड रह गए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि 50 लाख जैसे मामूली रकम में भी पुजारा नहीं बिक, यानी उन्हें कोड़ियों के दाम में भी किसी ने नहीं पूछा। पुजारा पर टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा लग चुका है और शायद इसी कारण कोई फ्रेंचाइजी उन्हें अपनी टीम में जोड़ना नहीं चाहती। आईपीएल नीलामी में पुजारा के अनसोल्ड रह जाने पर कप्तान कोहली ने उनका साथ दिया। पुजारा को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने के लिए कप्तान कोहली ने बीसीसीआई से ये अनुरोध किया था कि पुजारा अगर आईपीएल नहीं खेल पाते तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि उन्हें वित्तीय रूप से नुकसान ना हो। बीसीसीआई कोहली की इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में इस बात का उल्लेख किया है कि भले ही पुजारा आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिके, लेकिन कोहली ने उनके वित्तीय हितों की रक्षा का इंतजाम पहले ही कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।